अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं वाजिद अली कंबो आपका केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम ना पॉलीमर्स की दो तरह से हम ना टाइप्स डिस्कस करेंगे एक है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर और एक ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो आइए हम आगाज करते हैं माय डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज आप पॉलीमर्स को डिफरेंट वे से क्लासिफाई कर सकते हैं

फिर कोपोलिमर और फिर हम टर पोलिमर इसको डिस्कस करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होमोपोलीमर अल्फाज पे गौर करो होमो होमोमीन होमो मीन, होमोमीन होमो सेम सेम एक जैसे एक जैसे। मतलब क्या मान क्या बना ऐसे पॉलीमर्स जो एक जैसे मोनोमर से बने यानी ऐसे पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर्स की नेचर मोनोमर्स सेम हो रिपीटिंग यूनिट सेम हो आर कॉल्ड होमोपोलीमर्स

एस्टिक एसिड acid. जब आप एस्टिक एसिड acid का हाइड्रोजन रिमूव करके इसको ग्रुप से लगाएंगे ना तो आपके पास ये बनेगा पोलियमराइजेशन करवाई कौन सी अडीशन पोलिमोराइजेशन कैसे होती है ये में हम तो जब आप यह आपके पास आ गया दिस वन इज वीन आयल दिसल एसिटेट एसिटेट इसकी पॉलीमराइजेशन करवाई अब जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीविनाइल एसीटेट ये विनाइल एसीटेट पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बना दिस वन इज द मोनोमर ये मोनोमर आगे रिपीट हो और पॉलीमर बना अच्छा कैसे लिखेंगे देखो आप ने काम करो मैं आपको समझाने के खातिर स्टूडेंट ये ये है CH2 डबल बॉन्ड CH कुछ देर के लिए आप इसको यूं लिख O CO CH3 ये आपने यही वाला लिख दिया एक दफा फिर लिख दो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये आपके पास ओ सी ओ सी एच थ्री एक दफा फिर लिख लो जगह है तो लिख लें सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री मैंने तीन दफा लिया अब आपने काम भला क्या करता है आपने ये जो डबल बाउंड है ना इसको ख़त्म कर दो इसकी जगह पे सिंगल बाउंड लो और इधर और इधर बाउंड एक्सटेंड करो डबल बाउंड ख़त्म करो इसकी जगह पे सिंगल बाउंड लो इधर और बाउंड एक्सटेंड कर दो डबल बाउंड है ना इसको खत्म करो इसकी जगह पे सिंगल बाउंड लो इधर और इधर को क्या करो, एक्सटेंड अब एक बात याद रखना स्टूडेंट, आपने विनाइल आपस, आपस, आपस में जुड़ते जाते आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम क्या बनेगा ऐसीटेटी पोली विनाइल एसीटेट अच्छा थोड़ी सी एहतियात के खतरा आप ये करें आप ना यहां से यहां से ये ब्रैकेट डाल और, यहां पे ये ब्रैकेट डाल और आप यहां पे एन लिख लें सिंपल साहब एन माइनस वन भी लिखा जाता है लेकिन बेहतर ये आपके पास ना दिस वन इज द पोलीमर यह आपके पास पोलीमर बना नाम इसका क्या है पोली वी ये जो इतना मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा ना दिस वन इज द रिपीटिंग यूनिट ये जो मैंने लिखा है रिपीटिंग यूनिट माइडियर स्टूडेंट यह रिपीटिंग यूनिट ये अब यह जो पोलिमर बना ना आपके पास यह एक किस्म के मोनोमर से बना इट इज फाउंड बायल टाइप ऑफ मोनोमर तो ऐसा पोलिमर जिसमें सिंगल एक ही किस्म के मोनोमर होंट इज कॉल्ड होमो पोलिमर उसको हम क्या कहेंगे होमो पोलिमर माइडियर स्टूडेंट आप इसको ना इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये ऊपर आप देखेंगे ना तो इसमें ये सारे के सारे एक जैसे मोनोमर्स है इसमें ये आपके पास रिपीटिंग यूनिट आ गया और ये आपके पास पोलीमर की शक्ल आ गई इसको गौर से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन माय डियर स्टूडेंट मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास आ, है होमोपोलीमर ये पोलीथीन है पोलीथीन या पोली भी हम इसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट ये उसका मोनोमर है और इसका मोनोमर क्या है ईथीन ये आपके पास जो है ये पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक होमोपोलीमर है

दो चीजों को मिलाना uh, मैं इसको यूं लिखूंगा कंबाइनिंग टूगेदर मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसके कंबाइनिंग कंबाइनिंग टूगेदर टूगेदर इसे हम हैं कहते हैं, को को पोलिमर्स पोलिमर्स विच आर फॉर्ड बाय पोलिमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स मोनोम दो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स एक ये मोनोमर है एक ये मोनोमर है दिस मोनोमर अभी हम पढ़ते हैं वीन आयल एसिटेट दिस वन दिस अभी हमने इसको पढ़ा है दिस वन इज वीन आयल एसी दिस वन इज ब्यूटाइल ब्यूटाइल मेलिएट ब्यूटाइल मेलिएट बल्कि ये डाई ब्यूटाइल मेलिएट है ये आपके पास ये दो चीजें आपके पास आ गई बीनाइल एसीटेट और ये ब्यूटाइल अब ये दो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स है यह आपस में कंबाइन होंगे

ये मैंने बिल्कुल इसी को ही कॉपी किया मैंने दोबारा फिर बिना ऐसे लिख दिया आगे फिर इसको ही कॉपी करके कर लिख दो तो। अब मैंने अभी अभी मैंने इसमें कोई चीज नहीं की आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा चीज लिख दिया अब आपने काम क्या करना है काम आपने ये करना है कि आपने ना ये डबल बाउंड खत्म करना है पहले भी मैंने ऐसे कहा था यहां सिंगल बाउंड लगाना है यहां भी बाउंड लगाना है यहां भी बाउंड लगाना है ये डबल डबल बाउंड खत्म करना है यहां सिंगल बाउंड इधर भी डबल सिंगल बाउंड और इधर भी डबल ये डबल बाउंड खत्म करना है इसकी जगह आपको क्या आएगा सिंगल बाउंड और इधर भी इसको आपने एक्सटेंड कर तो ये आपके पास एक पॉलीमर बना इज अ पोलिमर इस हम कोपोलीमर माय डियर स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं मसलन मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक हम पढ़ेंगे ये एक एग्जांपल है और अदर एग्जांपल्स में मैं आपके पास ले आता हूं जी डेकर हम पढ़ेंगे डेकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे नायलॉन नायलॉन सिक्स सिक्स हम पढ़ेंगे बल्कि ये तो हमने पढ़ा भी है चैप्टर 11 में

देखें ये पहले अगर आप कोपोलीमर में देखें देखेंगे ना दिस वन इज़ तो रेंडम हैं लेकिन मोनोमर्स की तरतीबरिमेटिंग अल्टरनेटिंग पहले एक फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा ग्रेडियंट को पोलिमर ये जो मैंने चार आपको बताई ना आपने सिर्फ इनको समझना है समझना है कि कोपोलिमर आगे फिर

ये तीन मुख्तलिफ मोनोमर्स हैं। जब ये कंबाइन होते हैं हमारे पास एक पोलिमर बनता है दिस पोलिमर दिसमर आपेट इज समिंग एल्स मिथाइल मैथक एक्रिलेट। और है मैं जिक्र कर रहा हूं मैथेक रिलेट का यू हैव एक्रिलिक एसिड

जो जो दीवारों को जो किसी भी आर्टिकल को मौसम की शिद्दत से बचाता है बारिशों से बचाता है गर्मी से बचाता है इफेक्ट उससे महफूज रखता है उस आर्टिकल दैट इज कॉल्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये जो हमने पॉलीमर कहा कहा ये यूज होता है माय डियर स्टूडेंट यहां तक जो हमने पढ़ा ना दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर अब आप आगे बढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ट हमारी टेक्स्ट बुक्स इसको हीटिंग इफेक्ट के लिहाज से लेती है अदर बुक्स इसको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोल फोर्स बहरहाल ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट की बुनियाद पर दो तरह के पोलिमर्स होते हैं फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पोलीमर द सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग पोलीमर पहले ये कहा जाता था कि सारे के सारे जो पोलीमर्स है ना दे आर प्लास्टिक

प्लास्टिक हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे अगर आप उनको ठंडा करेंगे हार्ड हो जाएंगे अगर कोई, अगर कोई कोई पॉलीमर ये बिहेवियर शो करे तो दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर लेकिन अगर कोई पॉलीमर बिकम्स हार्ड और हीटिंग ये 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 हीट करने पर सॉफ्ट हो गए कूल cool करने पर हार्ड हुए लेकिन ये क्या है हीट करने पर सॉफ्ट नहीं हुए हार्ड हो गए एंड कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड अगेन मजीद हीट करोगे डीकंपोज हो जाएगा वो चीज रहेगी नहीं जो आपके पास पहले थी यह पहला डिफरेंस है दूसरे पे दे कैन बी रीमाउल्डेड रिकास्ट एंड रीशेप्ड रीमाउल्ड पिघला के दोबारा उसको नई शक्ल में लाना रीशेप जिसे रिकास्टिंग री जिसे हम कहते हैं ये इनकी खूबी है यानी आपके पास ना अगर ये जो थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक आप इसकी रिसाइकिलिंग कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं वो कैसे आप इनको हीट करेंगे हीट करने पर ये मेल्ट कर जाएंगे और जब मोल्टन स्टेट में आएंगे आप इसको नए सांचे में ढाल सकते हैं इनको रीमोल्ड कर सकते हैं इसलिए वो नई शक्ल उसी का रिसाइकिलिंग करके आप उसका री कर सकते हैं थर्मो प्लास्टिक पोलिमर की बात करें लेकिन थर्मोसेटिंग पोलीमर उनकी सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट टाइम मोल्डिंग होती है जब आप उसको बना रहे हैं आप उसको जिस मर्जी शक्ल में ढाल लें लेकिन जब वो एक दफा बन गया अब आप उसको री नहीं कर सकते अब आप उसको नई शक्ल में नहीं ढाल सकते ये कौन से यह थर्मोसेटिंग की बात कर रहे हैं असल बात जो है ना स्टूडेंट वो ये है अगर आप देखना चाहें कि दोनों में केमिस्ट्री के लिहाज से दोनों में डिफरेंस क्या है तो थर्मोप्लास्टिक मोलीमर दे वीक इंटरमोलैकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट वीक और इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलेकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलेक्कुलर फोर्स आर प्रेजेंट असल ये डिफरेंस है अगर आप देखेंगे ना ये मेरे पास ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर उसका स्ट्रक्चर है आपके पास ये चेन है पॉलीमर चेन है

मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह